बीजीएन आस्था प्रेजेंट। नमस्कार, बीजीएन आस्था यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। तो जो वीडियो हम बीजीएन आस्था पर डालते हैं, बहुत से भक्तों के कमेंट भी आए हैं, फोन भी आए हैं कि पितरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम हमारे विनोद भगत जी जो खुडन में बाबा की गद्दी लगाते हैं और आप सभी भक्तों के जितने भी प्रश्न हैं वो आज हम अपने भगत जी से अब उनके उत्तर लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे विनोद भगत जी दरबार जो बाबा का लगाते हैं। तो आइए मिलते हैं हमसे। नमस्कार, तो आइए भक्तों मिलते हैं हमारे जो बाबा की गद्दी लगाते हैं। सभी भक्तों के जो कार्य को बड़े ही सरल भाव से आशीर्वाद दे करके उस बाबा की कृपा से हर संकट का निवारण जो करते हैं हमारे विनोद भगत जी। भगत जी जय श्री राम। जय श्री राम। जगत राम, इस संकट की जो समस्या है इससे बहुत जूझ रहे हैं और आपके आशीर्वाद से बहुत से भजन हमारे पितरों के यूट्यूब पर चल रहे हैं, तो बहुत फोन भी आते हैं और उनके सवाल भी हैं। वो पूछना चाहते हैं कि पितर योनि में कौन जाता है, जैसे हमारे जो पूर्वज इस मृत लोक से छोड़ करके जो जाते हैं, तो वो पितर योनि में कौन कौन आते हैं? पितर योनि में तो बेवलाद होता है, वो भी आता है। अच्छा, ठीक है। और जो छोटे बच्चे गुजर जाते हैं, हाँ, 5 साल से ऊपर। अच्छा, जब तक बच्चे रहेंगे घाट में उसमें नहीं होगा, 5 साल से ऊपर जो अंग के उच्च में आ जाते हैं, हाँ हाँ, तो वो भी। और वो पितर रूप में भी आते हैं, प्रेत रूप में भी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रेत रूप में हो जाएंगे तो नुकसान करेंगे, हमें नुकसानदायक ज्यादा दिखाई देगा। पितर हैं तो पितर के उस रूप में दिखेगा, तो उनके। भगत जी बहुत से मैसेज आते हैं इस बारे में कि बहुत से भक्त तो ये भी बताते हैं कि भाई हमने ये नहीं पता कि हमारे परिवार में पितर रूप में है कौन। क्या औलाद वाले जो पूरी उम्र लेकर के इस मृत लोक से जाते हैं, क्या पितर रूप में आ सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, आ सकते हैं। ठीक है, तो एक ये बताओ भगत जी कि पितर जब घर में शांत होते हैं तो उसका मेन लक्षण होता है क्या है? मतलब हर एक घरबारी आदमी को कैसे पता लगे कि भी तेरे पितर हैं या नहीं है? देखो जी, ऐसा है, पितर ही सब कुछ है। अच्छा, ठीक है। पितर ही कहते हैं कि पुत्र है, पितर ही धन दौलत है और पितर ही शांति है। जिस घर के अंदर चीज सारी होंगी तो ये समझो कि शांति है। पितर बिना देवता भी कुछ नहीं। अच्छा, पितर जब शांत होंगे तो जब सब क्या होगा। दूसरी बात, अगर पितर का लक्षण ये है कि दीना में नुकसान हो जाना, शरीर में कोई हानि, भाई बीमारी चल जाना, वो भी पितर दोष बोलते हैं, जिसको बोलते हैं तमोगुण। पितर दोष पितरों के, ठीक है। अगर पितर हमारे खुश होते हैं तो उसको रजोगुण, रजोगुण होता है कि घर में शांति बरकत होनी, घर में फायदा होना, ठीक। तो ये लक्षण होते हैं। उल्टे सुलटे सपने आ जाएं, बेतुकी बातें हो जाएं घर में, वो हो जाएं, तो पितर बिना कुछ नहीं, पितर है। और इस पितर के बारे में पता चला, भाई कैसे पता चले कि भाई पितर हमारे सही हैं या गलत हैं, इसको देखने के लिए, कुछ वो करने के लिए। अगर हम अमावस्या काटते हैं तो उसमें कलश जरूरी होता है, मिट्टी का जो कलश होता है वो। अच्छा अच्छा, वो कलश ले आए, हाँ, उसके अंदर चावल थोड़ी मात्रा में, कच्चा दूध, दूध 1 रुपया उसके अंदर डाल दिया जाए, वो कलश के अंदर, कलश के अंदर डाल दिया जाए। तो उस जो यूज करना है उसमें से एक लोटा जो भी लुटिया है वो रखें भर के, बाकी उसको ढक के अमावस काटने के बाद में गाय को रोटी दे दो, कुत्ते को, कौवे को, जो पूछो सभी को दे, उसके बाद उसको रख लो। अगली मास को उसको चेक करना है, अगर उसमें जल तो मिल गया तो हमारे पितर खुश है, खुश है। अगर पितर खुश नहीं हो गए तो ये मान लो कि 10 दिन में, हफ्ता में पानी घूट नहीं मिले, रिछना नहीं चाहिए मिट्टी का, अगर हम उसे रखते थे। सुनो दर्शकों, हमारे भगत जी ने बड़े ही सरल भाव से बताया है कि एक मिट्टी का कलश अमावस के दिन उसको भर के रखें, कुछ चावल दूध 1 रुपया उसमें डाल दें, एक लोटा जल अगर जो मावस ने हमने चाहिए है वो उसमें से ले सकते हैं। अगर अगली मावस तक उस कलश के अंदर जल है तो समझो पितर खुश हैं, अगर जल नहीं है तो आप ये समझिएगा कि पितर आपके खुश नहीं हैं या हमारे घर के अंदर हमारे पितर नहीं है। नहीं। ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा।
दूसरी एक बात और आपसे पूछें भगत जी, बहुत से हमारे बहन भाइयों के फोन भी आते हैं इस बारे में कि भाई वस्त्र के लिए बहुत से कहते हैं इस बात, क्योंकि जब हम घर में बैठते हैं ज्योति जगाते हैं तो कोई भी इस प्रकार का हाजिरी जब बनती है तो उबासी आना या सर से मतलब इस तरह से चक्कर के रूप में आना या आंखों से पानी आना, ये किस तरफ इशारा करते हैं? इशारा ऐसा है, संकट के भी उबासी रासो आएंगे जी, और पितरों में भी। अच्छा, तो पितर की होगी, देवता की होगी, हाँ जी, तो उसमें लंबी उबासी आएंगी। संकट का या प्रेत पितर जो बोलते हैं, प्रेत बन गया, अच्छा अच्छा, बुरैया बोल दें, प्रेत बोल दें, हाँ जी, तो उसकी छोटी उबासी आएंगी। हाँ। आंखों में पानी आना, लाल आंख होनी, सर घूमना, अच्छा अच्छा, और बेचैनी, घबराहट जो बोलते हैं वो, और जोत पे मन नहीं लगेगा उसका, उचाटी बनेगी, ये संकट की निशानी। हाँ हाँ, और हमारे पितर होंगे तो उसके अंदर जो ना उबासी आनी और आंसू आना, तो आंसू आना रोने से पेशी बनती है, रोड़ता है, तो ये समझ लो कि पितर कहीं ना कहीं परेशानी है उसके साथ, कोई ऐसा चीज है जो कि उसको खुल के नियाने देता। एक हमारे दर्शकों ने एक सवाल किया था, वो पूछना चाह रहे थे इस बारे में कि जब पितर घर में आके बोलने लग जाते तो सबसे पहले वो अपने वस्त्र मांगते हैं, तो जो पितरों को वस्त्र जो दिए जाते हैं कि किस माध्यम से दे जो पितरों तक वो वस्त्र पहुंच जाए, क्योंकि बहुत से, एक हमारी बहन थी जींद से आगे, वहाँ उसका फोन आया था कि हमने दो बार वस्त्र भी दे दिए लेकिन फिर भी जब हमारे पितर मतलब पेशी में हाजिरी में आते हैं तो वो यही कहते हैं कि मुझे तो वस्त्र मिले ही, तो इसका कोई जो सरल जो उपाय हो जिससे भाई वो वस्त्र पितरों तक ही पहुंचे, किस प्रकार से दे और किसको दे? ये पितर का जो वस्त्र है ये ब्राह्मण को दिया जाता है। अच्छा। या फिर इसके पिंड भरने, हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं भाई, पिंडारे चले गए, हरिद्वार चले गए, कुरुक्षेत्र चले गए, तो यहाँ पिंड भरवाने का कोई विशेष दिन, विशेष दिन अमावस होती है, कोई भी अमावस हो या फिर नहीं, नहीं कोई भी अमावस हो, और शुभ जो मानते हैं जैसे कि सोमवती अमावस हो, वो तो एक बेस्ट है, और ये भी है अगर ज्यादा परेशानी है, और साल भर में तो हमने ये करना जरूरी है, जरूरी। उसके कपड़े हमने, क्योंकि हम भी पहले साल भर में तो उसको पितर के नाम के देने चाहिए, ये तो होना ही चाहिए उसको, तो मतलब ब्राह्मण को दे दें तो। हाँ, फिर बहुत से ये कहते हैं कि भाई बहनजे को अगर मतलब वस्त्र दे दिया जाए तो वो पितर को मिल जाता है, फिर वो बहनजा कौन हो, मतलब पितर का बहनजा हो या मतलब परिवार का ही बहनजा हो? नहीं नहीं, वो उसके घर का जो पितर का है, हाँ, जो उसमें आता है, हाँ, उसी का बन जाओ। अच्छा, जो पितर रूप में है, पितर रूप में, हाँ, उस पितर रूप में है, उसके परिवार से, अच्छा, यानी कि उससे खून से, का कहता वो से नहीं, हाँ, जैसे कि वो पितर है उसका बेटा या कुछ भी, मतलब उस खून से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये नहीं भाई उसके नहीं है भाई, और अदरवाइज जैसे कि दूसरी पीढ़ी का बुला लिया, वो नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नहीं, मैं नहीं होता। अच्छा, दूसरा एक और बताओ भगत जी कि बहुत सी बार हमने ऐसा सुना भी है, फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, और वो पूछना भी चाहते हैं इस बारे में कि जब भी पितृ रूप में हमारे पितर आते हैं, हमारे जोत पर भी आगे, और जो आपने बताया पूरे वही लक्षण है कि भाई हाँ हमारे पितर विराजमान दरबार में हो गए हैं, फिर वो शक्ति की पुकार करते हैं कि मेरे पास शक्ति नहीं है, भाई मुझे शक्ति चाहिए, तो पितरों को शक्ति दिलाने के लिए भगत जी को कौन सा रास्ता है, किस प्रकार से हम अपने पितरों को शक्ति दिला सकते हैं?